आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके इन वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इस वीडियो को आपने बीच में स्किप कर दिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे और बाद में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी, जिसे आपस में आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। और उसके बाद अपना एंड में वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेरे दिए गए तथ्यों या सुझावों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले विषय पे चर्चा स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्लैट लेना। बेसिकली जब भी आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो मन में एक दुविधाएँ रहती है कि यार, मैं ये जो फ्लैट ले रहा हूँ ये मेरे लिए वास्तव में एक अच्छा सौदा साबित होगा नहीं होगा, मैं इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूँ इस पर ये रिटर्न देगा नहीं देगा, वगैरह वगैरह। ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो खासकर इतने फ्लैट बन रहे हैं, कहीं मेरा रेंट आउट भी होगा, या मतलब इस तरह की कई क्वेश्चंस मार्क रहते हैं माइंड में जब हम फ्लैट लेने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपका देखिए बजट नहीं है और आप बेसिकली बजट आपका लिमिटेड सा है और आप अपना पहला घर ढूंढ रहे हैं, अगर आपका बजट लिमिटेड होने के कारण आप प्लॉट नहीं ले सकते, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके, अपना मकान बना सकते, तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा विकल्प तो रहता ही नहीं है, तो आपको फ्लैट में ही जाना पड़ेगा। अब देखिए, फ्लैट में जाना ही है तो आप फ्लैट में कैसे जाइए कि आपको नुकसान ना होइए। तो देखिए, अगर आपका मिनिमम जैसे 20-25 से लेके 30-35 लाख तक का बजट है, तो गुड़गांव में, हरियाणा में एक अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम चल रही है, तो उसमें आपके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। जैसे जो आप पता ही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे ऑलरेडी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको तो अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में पता ही है, बट जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में लॉन्च की गई स्कीम थी, जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी, और इसमें जो रेट थे वो प्री डिफाइंड थे, मतलब कारपेट एरिया पे चीज़ें बिकती हैं, जो कि पहले 4,000 रुपये पर स्क्वायर फिट था, आज के टाइम में वो 4,200 रुपया हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देख ही रहे हैं बहुत आए दिन बढ़ती जा रही है, मतलब जहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी और आज के समय में क्या है, तो वो तो जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड हैं या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं उनको पता ही है। तो देखिए, फिर मोद मैं कर बताया कि फिर भी 4,200 रुपया पर स्क्वायर फीट में आपको गुड़गांव जैसी लोकेशन में, वो भी कारपेट एरिया पे, अगर मैं इसको सुपर एरिया में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2800 से 2900 स्क्वायर फीट के आसपास या मैक्सिमम 3,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास चीज़ें इसमें मिलती हैं, और 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कहीं पर भी रेट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये एक एवरेज रेट है पूरे गुड़गांव का, अगर हम 6,000 तो आप देखें तो आधे रेट पे आपको एक तरह से ये चीज़ें मिल रही हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो यहाँ तो आप आँख बंद करके जा सकते हैं। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत आपको लोकेशन वगैरह, बिल्डर बैकग्राउंड वगैरह, उन जो चीज़ों का जो मैं बताता हूँ और आगे भी थोड़ा सा इस वीडियो में भी विस्तार से चर्चा करूँगा, तो उन चीज़ों का देखना है कि हाँ, ये चीज़ें अगर ओके हैं तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ, और वहाँ पर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। और बाकी रही, आप जैसे कि किसी का बजट थोड़ा सा ज़्यादा है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हाँ वो फ्लैट प्लॉट लेके ही अपना कंस्ट्रक्शन करें, तो मतलब मान लीजिए सेमी लग्जरी या लग्जरी का बजट है, और या तो झंझटबाजी लगती है उनको, प्लॉट लेके नहीं बनाना चाहते और वो फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न भी पाना चाहते हैं और अपने यूज़ के लिए भी बेसिकली उसको रखना चाहते हैं, तो उनको मैं ये हिदायत है, उनको मेरी तरफ से ये सलाह है कि जब आप फ्लैट बुक करने जाएं तो उसे टाइमली बुक कीजिए, मतलब अगर वो बिल्कुल लॉन्चिंग स्टेज पे हो वो प्रोजेक्ट तब कीजिए, क्योंकि देखिए लॉन्चिंग स्टेज पे है, इनिशियली अभी लॉन्च ही हुआ है, तो अभी आप उसमें बुक करेंगे तो तभी आपको चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिलेंगी, और देखिए जब वो लॉन्चिंग स्टेज पर होता है तो आप एक तरह से रिस्क भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी खड़ा नहीं है, तो रिस्क का तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है, जहाँ हम रिस्क लेते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सेमी लग्जरी या लग्जरी प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि प्री लॉन्च या लॉन्च पे आप जाके उसे बुक करें, जिससे आपको एक अच्छे रेट मिल जाए और जिससे आने वाले समय में आपको प्रॉफिट भी ठीक ठाक मिले। तो ये तो रही फ्लैट्स की को लेके जो कन्फ्यूजन रहती है कि हमें फ्लैट लेना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है, मतलब बेसिकली
आप घर ले रहे हैं, मतलब पहली बार रहने के लिए अगर आपने चीज़ ले रहे हैं, तो अगर आपके पास अच्छा प्लॉट लेने का विकल्प नहीं है तो आप फ्लैट के साथ जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल में जा सकते हैं जिनका बजट कम है, और अगर जिनका बजट ठीक ठाक है उनको लिए भी मैंने बता दिया कि कैसे उनको जाना चाहिए, कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि रेडी टू मूव जो चीज़ है ऑब्वियसली वो महंगी मिलेगी और एक साथ उसके में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो एकदम आपके ऊपर बर्डन्स आ जाएगा। और रेडी टू मूव में एक थोड़ा सा और भी ड्रॉबैक है, क्योंकि रेडी टू मूव जो चीज़ें थी वो पुरानी कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड थी, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इश्यूज आ जाएंगे आपको, मतलब क्योंकि फ्लैट, जैसे मैं कंपैरिजन भी करता आया हूँ कि फ्लैट्स एक कार की तरह हैं, तो जैसे ओल्ड कार ठीक है, मतलब आप यूज़ के लिए सीखने सीखने के लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा सस्ता भी कहीं पे मिल सकता है आपको जैसे पुरानी कार, बट ऐसे ही फ्लैट है कहीं आपको सस्ता भी देखने को मिल सकता है, बट उसके अंदर अपनी कमियां भी रहती हैं, तो इसलिए देख सोच के ही लीजिए, मतलब क्योंकि अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि नए प्रोजेक्ट के साथ जाएं, जहाँ पे नई तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी, नई एमिनिटीज़ मिलेंगी, और पुराने प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको उसमें ठीक ठाक रेट मिल रहा है और अगर उसके अंदर एमिनिटीज़ भी आज के हिसाब से ही हैं, क्योंकि कई प्रोजेक्ट हैं अच्छे अच्छे बिल्डर्स के भी हैं जहाँ पे आप इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो वो भी देख सकते हैं, बट मोस्टली आपको नए प्रोजेक्ट के साथ ही जाना चाहिए, तो मेरी तो ये सलाह है। बाकी आप अपनी देख सकते हैं, अपना जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आप देख सकते हैं कि आपको रेडी टू मूव ही चाहिए और आपके, तो आप फिर पुराने के साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको देखिए फ़ायदा उठाना है, इन्वेस्टमेंट में भी गेन थोड़ा बहुत करना है अपनी, तो आपको नए के साथ ही जाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही आपको जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि इस में कुछ इस तथ्यों के आधार पर या इन इस जो भी वार्ता के आधार पर मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी दे दी है। बाकी इसको समराइज कर दूँ छोटा सा, तो जैसे जिनका बजट 25 से 35 लाख है तो वो अफोर्डेबल में जा सकते हैं, अफोर्डेबल स्कीम में जा सकते हैं, गुड़गांव में जो चल रही है, हरियाणा में जो चल रही है, और ख़ासकर गुड़गांव में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ऑल दो फरीदाबाद में भी अफोर्डेबल स्कीम एप्लीकेबल है, बट वहाँ पे अफोर्डेबल स्कीम पे इतने अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मल फ्लैट्स का ही रेट उतना ही है जितना अफोर्डेबल स्कीम के फ्लैट्स का। तो गुड़गांव में ये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी आपको मैंने बता दिया लग्जरी और सेमी लग्जरी में, जैसे अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हैं, लॉन्चिंग स्टेज पे जाते हैं, प्री लॉन्चिंग स्टेज पे जाते हैं, तो वहाँ आप एक अच्छे खासे रेट में बुक कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको वो कुछ इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न देगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ये फ्लैट को लेके जो कन्फ्यूजन रहती है कि फ़्लैट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो ये मैंने काफ़ी हद तक इस में दूर की है इस वार्ता से, वो काफ़ी हद तक आपको इस क्लैरिटी दी होगी। तो दोस्तों चलिए अब आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में, अब हम जैसे कहते हैं कि अब मैं कहता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ऐसा नहीं है कि हर एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट अच्छा है या हर एक लोकेशन अच्छी है। तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में जब आप इन्वेस्ट करें, कई बार कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई बार कन्फ्यूजन होती है कि किस में किया जाए किस में नहीं किया जाए, तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। तो देखिए लोकेशन और लेआउट, लोकेशन एंड लेआउट, लोकेशन को तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है, अगर लोकेशन बढ़िया है तो आपको उसके साथ जाना है, और अगर उसके लेआउट्स अच्छे हैं उस प्रोजेक्ट के, अगर लेआउट जैसे जो अच्छे बने हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ों को देखना है, लोकेशन एंड लेआउट को। और बाकी अगर देखिए पुराना कोई बिल्डर है, अगर हम पुराने बिल्डर की बात कर रहे हैं जिसने कोई ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है प्रोजेक्ट, और उसका वो सेकंड प्रोजेक्ट है, थर्ड प्रोजेक्ट है, जो भी है, तो उसे बिल्डर के बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं, वहाँ पे पहले वो डिलीवर प्रोजेक्ट्स के जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा काम किया है कैसा नहीं किया है बिल्डर ने, वहाँ पे लोगों से रिव्यू ले सकते हैं, तो ये आप सब चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ही है, अगर आप अब आप क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि नया बिल्डर आ जाए, हाँ तो जैसे मैंने कहा कि नया बिल्डर आ जाता है तो उस केस में आपको देखिए जब नया बिल्डर आता है तो उसमें थोड़ा सा और सतर्कता बरतनी चाहिए, बाकी नए बिल्डर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि
अब तो CLP है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। पहले इनिशियली प्रॉब्लम आती थी क्योंकि पहले टाइम लिंक प्लान था अफोर्डेबल हाउसिंग में, बट अब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो आप नए बिल्डर के साथ भी जा सकते हैं। बट हाँ, फिर भी मैं ये कहूँगा मेक श्योर कर लीजिए कि बिल्डर का कैसा विजन है, क्या उसकी प्लानिंग है, उसने कितने और मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है या एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। क्योंकि देखा गया है जब कोई बिल्डर एक सिंगल प्रोजेक्ट लेके आ रहा होता है या सिंगल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो वो उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यार, एक ये सिंगल प्रोजेक्ट है, इसको बेचने के बाद मैं निकल जाऊँगा और मेरे को कोई क्वेश्चन करने वाला तो है नहीं। बट जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आता है बिल्डर, कोई भी नया बिल्डर आ रहा है और उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसमें निश्चिंत होकर थोड़ा जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर उसने एक प्रोजेक्ट में गुफ अप किया तो दूसरे प्रोजेक्ट में उसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो ये सब पता है और उसको मार्केट में अपनी बना के चलनी है, तभी वो दूसरा प्रोजेक्ट भी अपना वो अच्छा बेच पाएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है जब भी आप नए बिल्डर के साथ जा रहे हैं बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, या इवन दो मैं तो कहूँगा कि किसी भी और तरह के प्रोजेक्ट में, ये इन चीज़ों का ध्यान आपको देना चाहिए। तो शायद मैंने देखे दोस्तों, इस जो भी वार्ता के हिसाब से मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके भी जो एक मन में कन्फ्यूजन रहती है कि बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर, किसके साथ जाएं, किसके ना साथ ना जाएं, इन सब चीज़ों का भी कुछ हद तक क्लैरिटी दी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप किस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ें। बाकी फिर भी एक समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, लोकेशन देखिए, लेआउट देखिए, बाकी पुराना बिल्डर है तो उस पुराने बिल्डर का बैकग्राउंड देखिए, पुराने जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, वहाँ से लोगों से रिव्यू लीजिए, सर्विस रिव्यू लीजिए। फिर उसके बाद अगर कोई नया बिल्डर आता है तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके पॉइंट ये देखिए कि वो सिंगल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है या मल्टीपल उसके प्रोजेक्ट्स हैं, और क्या विजन है उस कंपनी का, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन या विजन जो ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में मुश्किल आ रही हैं, तो आप हम जैसे लोगों से, एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ, ये बिल्डर कैसा है, ये बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि हम तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट में जब किसी को हम प्रमोट करते हैं तो बिल्डर का बैकग्राउंड और उसके बारे में काफ़ी चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, तभी अपने चैनल पे उसका वीडियो डालते हैं। तो ये सब है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग में भी कोई जो आपको कन्फ्यूजन होती है कि किस बिल्डर के साथ बढ़ा जाए, किन से प्रोजेक्ट के साथ बढ़ा जाए, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी रहेगी। तो तीसरा जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इस चर्चा का, वो रहेगा कार पार्किंग और कार पार्किंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो देखिए, कार पार्किंग को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर, कार पार्किंग होगी इस प्रोजेक्ट में, नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि 2013 में जब ये पॉलिसी आई थी, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हरियाणा में, तो उस टाइम कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं रखा गया था, सिर्फ टू व्हीलर पार्किंग का प्रोविज़न था। ठीक है, तो उसके जब ये पॉलिसी आई, फिर उसके बाद कुछ इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आए और वो प्रोजेक्ट जो पुराने आए तो उसमें कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। बाकी ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ओनर से, अपार्टमेंट ओनर से और बिल्डर के बीच में, तो कई जगह पे आपको दिखेगा कि कार पार्किंग अलाउ की हुई है बिल्डर ने, तो वहाँ पे जिसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब विदाउट एनी चार्जेस वो है। तो कई प्रोजेक्ट हैं आपको ऐसे मिलेंगे जो पुराने डिलीवर हो चुके हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी ये है, हाँ, थोड़े बहुत तो इश्यूज रहते ही हैं, जैसे क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होती हैं, अगर आपने पहले आए पहले पाओ वाला काम है तो वहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज तो रहते हैं। बट हाँ, ये क्लैरिटी थी कि हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जी कोई भी आके लगा सकता है। बट अब जो 2020 में जब अमेंडमेंट की गई इस पॉलिसी में, तो उसमें एक पेड कार पार्किंग का ऑप्शन दिया गया, बट वो भी ऑप्शनल था, मतलब कि पार्किंग बिल्डर बना भी सकता है, ठीक है ना, पेड पार्किंग, और वो बेच सकता है, और कोई जो लेना चाहे रेजिडेंट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला जो था, एक मैं कहूँगा कि एक जो ये बनाया गया, जो भी अमेंडमेंट की गई, ये बहुत कन्फ्यूजन थी
इसमें। और इस कन्फ्यूजन को पहले भी मैंने कुछ वीडियो से थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा, बट और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि देखिए, अब जो कार पार्किंग, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट होने के बाद सारे बिल्डरों को कार पार्किंग देनी देनी है। बिल्डरों को इनिशियली प्रोजेक्ट में जब अमेंडमेंट आई थी तो कुछ बिल्डरों ने स्टिल्ट स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि देखिए जो पैसा गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली 5% जो अमाउंट इसमें निर्धारित किया था कि 5% कॉस्ट ऑफ जो बेसिक कॉस्ट ऑफ फ्लैट वो आप पार्किंग के लिए चार्ज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 1-1.25 लाख के आसपास का अमाउंट है। तो इसमें तो कार पार्किंग, मतलब बेसमेंट कार पार्किंग तो बनाना मुश्किल है, तो बट बिल्डर ने फिर भी स्टिल्ट का ऑप्शन लेके आए। बट देखा गया बिल्डरों के द्वारा देखा गया, और रिस्पांस मैंने भी जितना भी मुझे पता है, मतलब लोगों ने मतलब इस पर रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि बिल्डरों को यहाँ पे पता था कि हाँ कार पार्किंग हमारे पास ऑप्शनल जो है वो 200, 250 या 800, 900 फ्लैट है प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने क्या कहवा मनमाने रेट अपने चार्ज करने स्टार्ट कर दिए, और मैं मनमाने भी एक तरह से कह सकता हूँ, और मन उनकी मजबूरी भी कह सकता हूँ बिल्डरों की, क्योंकि आप मान लीजिए अगर स्टिल्ट में जहाँ पे जैसे बेसिकली क्या होता है कि एक फ्लोर में 8 फ्लैट होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, और स्टिल्ट या ग्राउंड जो ग्राउंड पे पहले वो लोग 4 फ्लैट बनाते थे और 4 फ्लैट खाली छोड़ते थे। अब यहाँ पे कई बिल्डरों ने क्या किया, बिल्कुल स्टिल्ट पार्किंग खाली कर दी, जिससे कि 2-व्हीलर वहाँ खड़े हो जाएं और ओपन में कार खड़ी हो जाएं या छोटी गाड़ियाँ स्टिल्ट में भी खड़ी हो जाएं। तो उससे क्या हुआ है कि आप देखिए, 4 जो फ्लैट बनते थे, एक फ्लैट की ऑन एवरेज अगर हम 2 BHK भी लेके चलते हैं 25 लाख रुपये कॉस्टिंग आती है। अब 25 लाख रुपये कॉस्टिंग आती है, 25 लाख रुपये का तो बिल्डर को हो गया नुकसान। मतलब अगर मैं 25-25 लाख रुपये के की 4 फ्लैट भी लेता हूँ तो 1 करोड़ रुपये का उसको जो है वो हो गया। और अगर एक एक जो फ्लैट है वो करीबन 60-65 गज के अंदर होता है 2 BHK, तो उसमें कितनी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, 2 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। तो अब वो 2 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी तो बिल्डर को, जो बिल्डर उसके लिए ले सकता है, कितने ले सकता है आपसे, 1.25 लाख अगर वाइट में अगर उसको लेने हैं, मतलब जो क्लियर कट लेने हैं, तो वो 2.5 लाख रुपये ले सकता है 2 जगह। और जबकि वो वहाँ पे वो 25 लाख का फ्लैट बना के बेच रहा था, तो एक तरह से उसकी जगह तो वो वेस्ट हो गई। तो इसीलिए बिल्डर ने देखा, तो बिल्डर ने थोड़े से रेट्स बढ़ा दिए वहाँ पे। बिल्डर ने, किसी ने 3.5 लाख रुपये मांगे एक कार के, किसी ने 4 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख तक भी मांगे। मतलब ठीक है, वो वाइट में शो करने के लिए अमाउंट उतना ही रखा और ब्लैक पार्ट बढ़ा दिया, क्योंकि बिल्डर को तो लॉस कवर करना था कुछ हद तक। बट अब यहाँ पे भी इन्वेस्टर है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी बहुत सारे इन्वेस्टर है, और बहुत लोग अपनी तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तो उन्होंने इस पर भी मतलब एग्री नहीं किया। और तो अब वो आने वाले समय में जिसका प्रभाव देखा जा रहा है, अब कोई भी बिल्डर कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं लेके आ रहा। पहले जहाँ स्टिल्ट ग्राउंड में वो लोग छोड़ रहे थे स्पेस, स्टिल्ट स्पेस छोड़ देते थे, बट अब फिर दोबारा से आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक या तो क्लियर कट कह देना चाहिए था कि कार पार्किंग अगर दे रहे हैं तो सबको क्लियर, सबको दें, सबको अलाउ करें, और एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर देती गवर्नमेंट कि जो मतलब बिल्डर के लिए भी फिजिबल था और एक कस्टमर के लिए भी फिजिबल था। बट ऐसा तो कुछ किया नहीं, उल्टा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दी। तो देखा गया है कि जो अमेंडमेंट हुई है कार पार्किंग को लेके, वो फेलियर ही है, उस पर कोई ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं हुई है। कुछ बिल्डर की वजह से है, कुछ बिल्डर की कमियां कहूँगा, कुछ बिल्डर की मजबूरियां कहूँगा, और कुछ कस्टमर्स की वजह से है। जो कस्टमर्स भी मतलब अपना ठीक है उस चीज़ को नहीं समझ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को तो अपनी जेब देखनी है, वो तो अपनी जेब के हिसाब से ही डिसीजन लेगा। तो इस तरह से इश्यूज रहे हैं, तो कार पार्किंग का इशू रिजॉल्व नहीं है। और जो कार पार्किंग को लेके हमेशा से क्वेश्चन करते रहते हैं कि कार पार्किंग, मेरे से जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हमेशा से मेरे से पूछा जाता है कि सर इसमें कार पार्किंग होगी नहीं होगी, तो मैं उनको क्लियर बता दूं कि देखिए कार पार्किंग नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग में, ये अभी तक तो मान के चलिए। जब कभी कुछ और कोई चेंजेस हो जाएंगे तो कह नहीं सकते। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अब कुछ ज़्यादा कोई चेंजेस होने वाले, और मुझे जो उम्मीद है कि 2022 में जो कि हाउसिंग फॉर ऑल के साथ इसे रिलेट कर दिया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, तो उसे हाउसिंग फॉर ऑल के साथ 2022 तक ही के ही ये जो प्लान है जो चल रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट, क्योंकि वैसे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है,
और अफोर्डेबल हाउसिंग में अब कुछ मार्जिन रहा नहीं है बिल्डर्स के पास, तो बिल्डर भी चाहता है कि जल्द से जल्द अपने वो अफोर्डेबल के जो भी उनके पास लाइसेंस थे, पेंडिंग लाइसेंस थे, उनको क्लियर करे और निकाले। मतलब एक तरह से बिल्डर के लिए ये गले की फांस बन चुके हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो अभी सुनहरा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं तो वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं उसको, मतलब सॉरी निगलेक्ट नहीं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। बट बाकी अगर किसी में एज सच कोई ज़्यादा इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं, बिल्डर नया भी है तो भी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले समय में दीनदयाल का ही बोलबाला रहेगा अगर गुड़गांव की बात करूँ तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हो चुकी है कि अब बिल्डर नहीं बेयर कर पा रहा अफोर्डेबल बनाना। और अफोर्डेबल में पार्किंग से उन्होंने सोचा था कि शायद थोड़ा बहुत जो पार्किंग में उनको लॉ जो फ्लैट ना बनाने से लॉस हो रहा है वो पार्किंग कॉस्ट से कवर कर लेंगे, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट में देखा गया कि क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा आ गया है, तो इन्वेस्टर का कंट्रोल ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर नहीं चाहता है कि मैं अपना पैसा लगाऊँ 3-4 लाख रुपये और मैं कार पार्किंग क्यों लगाऊँ। वो सोचते हैं कि मैं मुझे तो रहना नहीं है और मेरे को तो किसी और को देना है रेंट पे। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अब ये भी चीज़ फ्लॉप हो गई है, कार पार्किंग वाला भी मैंने बताया आपको फ्लॉप हो गया। और बाकी जो दुकानें की बात होती है, अगर जो कहते हैं कि भाई दुकानों से रिकवरी हो सकती है बिल्डर्स की, कि भाई दुकानें, कई लोग बोलेंगे यहाँ पे दुकानों की दुकानें भी होती हैं उसमें अच्छा पैसा कमा सकता है बिल्डर, बट दुकानें भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, दुकानें भी नहीं बिक रही हैं। जब इनिशियल आए थे ये प्रोजेक्ट तब दुकानें कुछ बिकी थी, बट आज के समय में दुकानें भी बिकना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड फ्लोर तो चलो फिर भी जैसे तैसे करके बिक जाता है, बट फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर अगर बिल्डर बनाता है तो वो बहुत मुश्किल से ही बिक पा रहा है। तो ये सब है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे जो लगता है कि अब ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो जिनको अप्लाई करना है, जिनको लेना है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो उन सब के लिए सुनहरा मौका है। बहुत जो भी अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं लाइन लगा के आएंगे, अभी एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि सबको 2022 का ही टारगेट है। सबको अपने इन्वेंट्री जो भी अपना जो भी लैंड है, जो भी अफोर्डेबल के हिसाब से जो लैंड है तो वो क्लियर करना है, क्योंकि उसके बाद बिल्डर भी नहीं चाहता इस प्रोडक्ट में हाथ लगाना, क्योंकि उनके लिए अब ये घाटे का सौदा बन चुका है। तो यही सब थी दोस्तों, यही सारी जानकारियाँ थी। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दे दी है, और कार पार्किंग को लेके भी एक क्लैरिटी दे दी कि हाँ आप कार पार्किंग आने वाले प्रोजेक्ट्स में आएगी नहीं आएगी। हो सकता है कोई नया बिल्डर हो, जैसे वो अपनी मार्केट चलाने के लिए कुछ ऑप्शन दे दे कि हाँ आपको स्टिल्ट ना, मतलब स्टिल्ट पे फ्लैट ना बना के, मतलब ग्राउंड पे फ्लैट ना बना के स्टिल्ट स्पेस दे दे, बट जो पुराने बिल्डर हैं वो नहीं देंगे, वो आपको ग्राउंड पे, जैसे आप सिग्नेचर की बात करें चाहे एमआरजी की बात करें, तो ये लोग ग्राउंड पे भी फ्लैट आपको देंगे, और यहाँ पे वही पुराने प्रोजेक्ट की तरह रहेगा। वह मतलब यहाँ पे मतलब आपको पार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत मिनिमम मिलेगी, बेयर मिनिमम मिलेगी। तो यही सब है, क्योंकि जब जब कस्टमर ही नहीं ले रहा है, जब कस्टमर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्डर बनाएगा क्यों। तो यही सब देखा जा रहा है, यही है कार पार्किंग का जो मैंने समरी करी, होपफुली आप समझ गए होंगे। और आप देखिए, मैंने आपको 3 पॉइंट के ऊपर बात करी आज, कि पहले तो फ्लैट लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग में कौन से मतलब बिल्डर के साथ जाने चाहिए, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, और कार पार्किंग को लेके चर्चा करी कि कार पार्किंग अफोर्डेबल में क्या रहेगा, उसका क्या फ्यूचर रहेगा, कैसे है कैसा नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो भी चर्चा की है, जो भी वीडियो में मैंने तथ्य बताए और जो भी चर्चा की रही, वो आपको पसंद आई होगी और आप मेरी बातों से एग्री करते होंगे। और देखिए, आप अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो में एग्री का कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे मेरे को पता चल जाए आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और देखिए दोस्तों, आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया और आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और बाकी हमारा भी एक मोटिवेशन बन, मतलब एक प्रोत्साहन हमें मिलता रहे कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की जानकारी, इस तरह के वीडियो टाइमली लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए
एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।